का तो आतिशबाजी भी रामदान हो गाइस, मैं अफजल आपका भाई आपके साथ में वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो आज हम लोग पहुंचे हैं जहानाबाद के कल्पा गांव में, और किस लिए पहुंचे हैं? अपने शहर जहानाबाद में तो रावण दहन नहीं हो रहा, तो कल्पा में हो रहा, तो उसी को लेके हम लोग पहुंचे हैं कल्पा गांव में। और क्या कुछ होने वाली है कल्पा गांव में, वो तमाम तो अपडेट आपको दे रहे हैं। अगर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर ले, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले। देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी बने हैं, और किस तरीके से कल्पा गांव में हम लोग आए हुए हैं, तो क्या कुछ होने वाली है वो तो दिखला ही रहे। तो चलिए और आगे की ओर लेके चलते हैं आपको, तो चलिए आपको कल्पा गांव के अंदर भी लेके चलते हैं, और क्या कुछ है यहाँ पे मेला लगा हुआ है दुर्गा पूजा के लेके, और दशहरा का हार्दिक आपको शुभकामनाएं। तो क्या कुछ होने वाली वो तमाम अपडेट दे रहे हैं, और कैसी माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठाई गई है वो भी आपको हम दिखलाएंगे। और देखा जाए तो क्या कुछ मेला यहाँ पे लगा वो तमाम अपडेट तो हम दे रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे लोग को देखा जाए तो बच्चे लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं वो भी आपको हम दिखला रहे। तो चलिए वीडियो में और आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखा जाए तो कल्पा गांव हम लोग पहुंचे, और किस तरीके से यहाँ पे मेला लगा वो भी आपको हम दिखला रहे हैं। तो जहानाबाद में तो परमिशन नहीं मिला था रावण दहन का, तो कल्पा गांव में मिला, तो उसी को दिखलाने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं कल्पा गांव में। तो क्या कुछ होने वाली है देख सकते हैं पीछे कि रावण दहन बन चुकी है, और इसी के लिए हम लोग पहुंचे हैं कल्पा गांव में, और किस तरीके से यहां पे रावण दहन होना, धीरे धीरे पब्लिक भी आ रही है, तो वक्त हो चला है, तो बस कुछ ही देर में यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम आरम्भ होगा। तो झांसी किस तरीके से आए वो भी आपको हम दिखला रहे हैं, और यहाँ पे कर्तव्य दिखलाते हुए लोग हैं, और क्या कुछ है वहाँ पे तमाम अपडेट आपको हम दे रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से कल्पा गांव में रावण दहन की जाती है, वो तमाम अपडेट आपको हम दे रहे हैं। तो सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया, और देख सकते हैं क्या कुछ है यहाँ पे वो तमाम अपडेट दे रहे हैं, और किस तरीके से काफला बढ़ रहा आगे की ओर वो भी आपको दिखला रहे हैं। और पब्लिक देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। तो चल चलिए आगे की ओर लेके चलते हैं। बस अब कुछ ही टाइम में रावण वध होने हैं, वो आपको हम तमाम अपडेट दे रहे हैं, तो बस कुछ ही क्षण में यहाँ पे रावण वध होना। तो यहाँ पे भीड़ की भी बात किया जाए तो भीड़ भी बहुत ज्यादा है, पब्लिक का तादाद देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक आ चुकी है रावण दहन देखने के लिए। तो रावण है, और किस तरीके से रावण दहन की जाएगी वो तमाम अपडेट के साथ आपके साथ है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पब्लिक जो है अपने हाथों में मोबाइल लेकर और किस तरीके से कैमरा में कैद करना चाह रहे हैं वो आपको हम तमाम अपडेट दे रहे हैं। तो चलिए आपको डायरेक्ट वहाँ पे भी लेके चलते हैं। बस अब कुछ ही क्षण में यहाँ पे रावण दहन होना, और क्या कुछ होने वाले तमाम अपडेट दे रहे हैं आपको। तो चलिए और आगे की ओर लेके चलते हैं। राम जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और सोने की लंका में आग लग चुकी है, और किस तरीके से लगी है वो भी आपको हम दिखला रहे हैं, और बस कुछ ही क्षण में रावण दहन होनी है तो वो भी आपको हम दिखला रहे हैं। तो चलिए और आगे की ओर करते हैं वीडियो को। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राम जी तीर चला रहे हैं, और रावण वध होगी बस कुछ ही क्षण में। देख सकते हैं आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि तीर चल चुकी है और सोने की लंका जल चुकी है, तो अब बस रावण दहन भी होनी है। तो किस तरीके से वो भी आपको हम तमाम अपडेट दे रहे हैं।
ये फर्स्ट टाइम मेरा था कि पहली बार हम रावण दहन देखे और किस तरीके से यहाँ पे रावण दहन के लिए पुतला फूंक दिया गया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें आग लगाई जा रही है और आतिशबाजी एक से एक कल्पा गांव में हुआ वो भी देखने में बहुत ही रोमांचक था। और देख सकते हैं पुतला फूंका गया और धीरे धीरे बहुत कुछ होने वाली है और आतिशबाजी देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। देखा जाए तो आप पब्लिक जो है अपने अपने घरों की ओर लौटेंगे क्या है कुछ वो आपको तो तमाम अपडेट दे रहे हैं। चलिए और आगे यहाँ पे भाई लोग मिले इनसे भी बात कर लेते कि रावण दहन कैसा आप लोगों को लगा और क्या कुछ है यहाँ पे। बहुत बढ़िया लगा दोस्त। चारों तरफ का जो खूबसूरती नहीं है वो इस गांव में है जो रावण दहन के दिन देखा जाता है। सब कुछ खूबसूरती क्या हमारे गांव में सब एकता बना के रखते हैं और क्या यहाँ सजा के रखते हैं वो तो आप खुद ही देखेंगे वीडियो में। भैया के ब्लॉग में फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। ये माय प्रेजर है कि इस तरीके से कुछ हुआ है। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो जरूर आप कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा कल्पा गांव के लेके। अगर कल्पा गांव से है तो आप प्यार जरूर दीजिए। रावण दहन को आप देखिए तो कैसा आपको लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर बटन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो वाले के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए देखिए।